यार सोच रहा हूँ 25,000 रुपए का नया फोन ले लूँ, पर कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं यार। कितने कम पड़ रहे हैं? 24,000 कम पड़ रहे हैं। 12वीं के नंबरों का कोई महत्व नहीं है। मुझे तो पता ही था। चलो ये वीडियो सेव कर लेता हूँ, रिजल्ट के दिन सबको बताऊंगा। बात सही है। यार जिन्हें लगता है ना मैं बहुत पढ़ता हूँ, मतलब बस 24 घंटे पढ़ाई ही पढ़ाई, यकीन मानो 24 घंटे ज़्यादा दूर की बात, मेरे से 24 मिनट नहीं पढ़ा जाता। मैं तो भाई जब बुक खोलता हूँ मेरा उसी वक्त दिमाग घूम जाता है, मैंने पढ़ना खाक है। वो अलग बात है मैं तुम्हें जब रिप्लाई नहीं दे रहा होता तो मैं इंस्टा पे रील्स देख रहा था, पढ़ाई नहीं कर रहा होता। अनिल भाई। हाँ भाई। घर बैठे पैसे कमाने हैं, बताओ ना कैसे। तो घर भेज दो। भाई मैं आज गलती से सुबह की जगह दिन में 12 बजे नहाने चला गया भाई, शावर में से पानी नहीं आग बरसी आग, और जैसे वो लावा मेरे शरीर पर पड़ा मेरे को मेरी रूह निकलती साफ दिखाई दी। सिवाज भाई तू अपना बर्थडे सेलिब्रेट क्यों नहीं करता भाई? भाई मैं क्यों करूँ, मैं उस दिन सेलिब्रेट जिस दिन से मेरी सारी प्रॉब्लम्स की शुरुआत हुई। रोहित भाई सोच, अगर मैं तुझसे लिए तेरे सारे पैसे वापस कर दूं और साथ में तेरी क्रश नेहा का नंबर सेंड कर दूं तो यार मैं खुशी के मारे मर जाऊंगा। तो भाई तू जी ले अपनी जिंदगी, यार नहीं कर रहा मैं तेरे पैसे वापस और ना ही सेंड कर रहा हूँ तुझे तेरी क्रश नेहा का नंबर। जी ले भाई तू अपनी जिंदगी जी ले। अटेंडेंस 0% है, अभी तक एक लेक्चर भी अटेंड नहीं किया, एक सब्जेक्ट तक का अभी तक नाम नहीं पता, और कुछ दिन में एग्जाम है। चुप हो जा। अरे चुप हो जा। गोलगप्पे खाएगी? भाई 500 रुपए दे दे। क्या रोज रोज भीख मांगने आ जाता है? ओए तू कौन होता है हमारे बीच में बोलने वाला? तू मुझसे पैसे मांगने आया है? बता 500 रुपए चाहिए तुझे? हाँ। नहीं है पैसे, चल निकल। कैसे कैसे लोग रहे? ज्यादा रुपए होने का भी एक डर ही लगा रहता है कि कौन कब कहाँ किडनैप कर ले, बस वही डर मेरे को चाहिए। क्या वो खत्म भाई? अरे अनिल भाई ये कंपनी वाला कुछ समझ में नहीं आता है। जब सैलरी बढ़ाने को बोलो तो बोलते तू काम ही क्या करता है, जब छुट्टी मांगो तो बोलते तेरा काम कौन करेगा। क्या बोला था गांव वालों ने कि लड़का कुछ कमाता नहीं है? अरे भैया इतना भी सच नहीं बोलना चाहिए था, काफी टाइम से मैं सोच रहा हूँ कहाँ जाकर काम करूँ जिससे पैसा कमा सकूँ। मैं आपका टीचर हूँ, मेरे से एक बार नहीं 1000 बार पूछो। सर ये कैसे है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जब कहाँ पे था तेरा दिमाग? शॉपिंग हो गई भाई? मेरे हाथ से मर्डर हो जाएगा। अरे भाई किसी दिन डीमार्ट के अंदर घुस के आग लगा दूंगा मैं। अरे भाई ऐसा नहीं बोलते यार, क्या तू साले कभी गया डीमार्ट? हाँ जाता हूँ, 2-4 सामान चाहिए होता है तो ले आता हूँ। चल भाई झूठे। अरे कोई नहीं लाता 2-4 सामान, सिर्फ एक पैकेट ब्रेड और एक पैकेट बिस्किट लेने घुसा था मैं, और साला बाहर निकला तो 3000 का बिल बन गया। ऊपर से एक सुंदर लड़की अपने बॉयफ्रेंड को बोल रही थी कि जानू इसका स्मेल बहुत अच्छा है, तो मैं इंप्रेस करने के चक्कर में 4-5 डियो उठा लिया, जब बाहर आकर देखा तो मोर्टिन था वो। मुझे ना तुम्हें अपना दोस्त बोलने में शर्म आती है। हाँ तो तुम मुझे पापा बोला करो ना। सोच रहा हूँ कि मैं कहीं जाकर दिन रात मेहनत करके खूब ज्यादा पैसा कमा लूँ, फिर मैं सोचता हूँ यार मुझे तो कहीं काम भी नहीं मिलता, फिर जाकर दिन रात मेहनत कहाँ करूँ जिससे पैसा कमा सकूँ। भाई मैं रोजाना सुबह जल्दी उठ के पार्क में घूमने जाता हूँ। ये तो अच्छी बात है यार। यार तू भी चला करना, अकेले अकेले मजा नहीं आता। नहीं यार मैं नहीं आ सकता भाई। क्यों भाई क्या प्रॉब्लम हो गई? यार प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, पर यार जब धरती अपनी सतह पे घूम ही रही है तो मैं यार क्यों कष्ट करूँ सुबह उठ कर जल्दी घूमने का, तू ही बता यार। मैं क्या तुझे मजदूर लगता हूँ? नहीं पर क्यों? यार सुबह 6 बजे उठाकर मम्मी बोल रही है दूध ले आ, मैंने बोला भाई से मंगा लो। तो इसमें मजदूर लगने वाली कौन सी बात है भाई, ये तो घर का काम है सभी करते हैं। यार तू पूरी बात सुन तो ले पहले। चल बोल। यार मैंने मम्मी से बोला भाई से मंगा लो, तो मम्मी कहने लगी वो सो रहा है, मैं उसे उठा के इसकी नींद खराब नहीं करूंगी, तू जा और दूध लेके आ। मेरे दोस्तों को लगता है कि सबसे ज्यादा पैसा मेरे पास रहता है, बस मैं खर्च नहीं करता हूँ, काश मेरे दोस्तों की बात सही होती। अरे क्या हुआ खत्म भाई? अरे अनिल भाई घर वाले दिन भर ताने मारते रहते हैं और रात में कहते हैं हमने इसे कहीं नहीं छोड़ दिया।
अरे खत्म भाई क्या हुआ? अरे अनिल भाई, लोग प्यार मोहब्बत में पड़ रहे हैं और मैं खाली मुसीबत में। अच्छा करो तो नजर लग जाती है और बुरा करो तो बद्दुआ, इसलिए मैं तो कहती हूँ कुछ ना ही करने में भलाई है, सो जाओ। भाई साहब, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालने से बेहतर है दोनों कानों से भरपूर सुनो और सुनने के पश्चात मुंह से भी फिर भरपूर गालियां देके मौज काटते फिरो। मेरा दोस्त ने बोला कि चलना आज तू समोसे खिला दे, कल मैं खिला दूंगा, और जब मैंने बोला तो बोलता है कि पैसे नहीं है। चलो तैरने चलते हैं। अभी नहीं भाई, तैरना वरना नहीं आता हमें। अभी चिंता काहे कर रहे हो, हम सिखाएंगे। ना ना, हम कसम खाए हैं, जब तक तैरना नहीं सीखेंगे तब तक पानी में नहीं उतरेंगे। कहाँ से आते ही? सॉरी यार, कल तेरे बर्थडे में मैं नहीं आ पाऊंगा, तो यार सॉरी। तुझे बुलाया है किसने? मैं गिरा होया बंदा जमानी चबली है। भाई कल एक लड़का मेरे को बोल रहा कि तू दुनिया की बातों को सीरियसली मत लिया कर। अब उसको कैसे समझाऊं, यहाँ मैं मेरी खुद की लाइफ सीरियसली नहीं ले रहा, दुनिया की बातों को क्या खाक लूंगा। मेरे पापा बोल रहे थे कि इतना अचानक से कैसे बिगड़ सकता है तू, एक दो साल पहले तो ठीक था, अब मैं पापा को कैसे बताऊं कि ये सारा करामत मेरे दोस्तों का। क्या वो खत्म, क्या सोच रहा है भैया? सोच रहा 20,000 वाला मोबाइल ले लूं, और कुछ पैसे कम पड़ रहे यार। कितने कम पड़े बता, मैं दे दूंगा भाई। 19,900। भाई अब मुझे किसी के जाने से फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा हीरो मत बनो, इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है ना, अगर थोड़ी देर के लिए लाइट चली गई पूरा फर्क पता चल जाएगा एक ही बार में। क्या हुआ बे, बड़ा उदास लग रहे हो तुम? अबे यार, बचपन में टीचर का बात सुन लिए होते ना, ताजी ये दिन नहीं देखना पड़ता, आज हम भी डॉक्टर या इंजीनियर होते और खूब पैसा छाप रहे होते। कौन सी बात? अबे वही तो नहीं सुने भाई, नॉर्मल लोगों की लाइफ होती है, देखो बुरा वक्त आता चला जाता है, अच्छा वक्त आता चला जाता है, बट मेरी बारी में बुरा वक्त आया, बैठा लेटा यहीं सो गया, अंदर ही पड़ा है मेरा, अब जाने वाला नहीं है, अच्छा वक्त था वो तो घूम के कहीं और से चला गया। यार मैंने ना तुम्हें इन्फॉर्म करना था कि तुम्हारे अंदर ना विटामिन एस की कमी है, मींस के शर्म की कमी है तुम्हारे अंदर, नहीं मतलब कि बोर्ड के पेपर तुम्हारे सर पे खड़े हैं और तुम यहाँ पे बैठे स्क्रोलिंग करे, कोई शर्म नाम की चीज़ है? नहीं मतलब कि यार मुझे पता है कि किसी से भी पढ़ाई नहीं होती, लेकिन तुम अपने घर वालों को दिखाने के लिए कम से कम सामने बुक तो खोल के रख सकते हो ना, जैसे कोई घर वाला पास है, मोबाइल नीचे और बुखातों में। मेरे रिलेशन में जितने भी लोग आते हैं उन सबको यही लगता है कि जो काम किसी से नहीं हुआ वो काम ये लड़का करके दिखाएगा और उससे सभी लोगों की बेइज्जती होगी, इसीलिए वो लोग बोलते रहते हैं कि इसकी शादी करवा दो, इसकी उम्र हो गई है। भाई मुझे एक आदमी ने मारा यार। भाई तू मार खा के आ गया, तेरे हाथ में कुछ नहीं था? था ना भाई। क्या? उसकी बीवी का हाथ। भाई मेरी गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही। कब से नहीं मिल रही भाई? बचपन से। क्या हुआ खत्म भाई? अरे अनिल भाई, यहाँ रात को 2 बजे प्यार में कोई हंसता है तो कोई रोता है, पर साला में भूख लगती है। अच्छा ये बता, देश की राजधानी क्या है? दिल्ली। अबे पहले ये तो पूछ ले देश कौन सा है। भाई साहब इतनी टेंशन मुझे अपनी नहीं होती, इतनी मुझे आने वाली 10-15 साल बाद जो जनरेशन है ना उसकी होती है, क्योंकि हमारे पास तो बढ़िया बुजुर्ग हैं, इनके टाइम में मोबाइल वगैरह पिज्जे बर्गर वगैरह नहीं थे तो हम उनसे सलाह ले लेते हैं, लेकिन जो 20-25 साल बाद जनरेशन होगी उसके बुजुर्ग होंगे हम, अब हम उनको क्या ही मोटिवेशन देंगे, हम खुद मैगी बर्गर पिज्जे खा के बड़े हुए हैं, दिन के 12-12 घंटे हमने खुद इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करके बिताए हैं, मतलब कि क्या ही सलाह देंगे हम उनको। भाई साहब पहले मैं भी बहुत उदास रहता था, फिर मैंने इंग्लिश सीखी तो पहले उदास था अब सैड हूं। मेरी जिंदगी ना आजकल कुछ अजीब सी हो रही है। क्यों, ऐसा क्या हो गया? भूख ही नहीं लगती भाई खाना खाने के बाद। मुझे लगता है कि मेरे घर वाले मेरा एक भी सपना पूरा नहीं होने देंगे, क्योंकि मेरे घर वाले हर रोज जल्दी सुबह उठा देते हैं, मेरा कोई सपना ही नहीं पूरा हो पाता है। अरे कुलदीप भाई क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? मेरे घर वालों ने मेरे को बहुत मुश्किल काम दे दिया था और वो काम मैं कर नहीं पाया, फिर मेरे घर वालों ने बोला जाकर चुल्लू भर पानी में डूब मर। हाँ तो फिर? हाँ तो ये काम भी बहुत मुश्किल दे दिया ना, चुल्लू भर पानी में कैसे डूब के मरूंगा।